नेटवर्क को क्लिक करना है। अब इसके बाद आपको क्लिक करना है नेटवर्क मोड पे। अब इसके बाद अगर आपका फ़ोन 5G है और आपका फ़ोन 5G कैपेबल है तो या 5G ओनली या ऐसे करके 5G का कोई ऑप्शन आ जाएगा, तो फिर जहाँ 5G लिखा हो उसी पे आपको क्लिक करना है, ठीक है ना। ठीक है, या 5G वाले पे आपको क्लिक कर देना है। अब उसके बाद जैसे मैं कर देता हूँ, ये है, जब देख सकते हैं अब मेरा 5G सेलेक्ट हो गया, यह मेरा 5G लिखा रहा है। लेकिन आपको इसके लिए कुछ करना पड़ेगा, आपको जियो ऐप में आने के बाद आपको आपको फिर थोड़ी देर बाद आपको कॉन्ग्रेचुलेशन नाम से वेलकम ऑफर मिलेगा, आपको उस पर क्लिक करना है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि क्या लिखा है जियो वेलकम ऑफर के, उसकी वजह से आपको 5G अनलिमिटेड डेटा मिल रहा है किसी भी नो कॉस्ट पे एंड 1 GBPS तक की स्पीड पे। तो फिर अब इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपके फ़ोन का लेटेस्ट सॉफ्टवेयर वर्जन है, तो अभी से हम, या अगर आपका अपडेटेड है तो आप आई हैव अपडेट पर क्लिक करें, नहीं है तो आप अपडेट नाउ पर क्लिक करें। मैं एक बार अपडेट नाउ कर लेता हूँ, मेरा सिस्टम अप टू डेट है, तो लेट्स स्टार्ट द चेक कर लिया मेरा अपडेटेड है, तो अब मुझे आई हैव अपडेट पर क्लिक करना है। तो वो जो मैंने आपको बताया था कि आप 5G पर क्लिक करिए, तो वो ये था कि हैंडसेट 5G सेटिंग, मतलब आप 5G को वो कर लीजिए, हो गया। अब आपको लिखा रहा है ग्रेट यू आर 5G रेडी, तो अब आपका यहाँ पर, तो अगर आप यहाँ पर देखिएगा अब आपको 5G लिखाएगा, है ना, तो फिर इसका मतलब अब आपका 5G रेडी है। अब आपको एक्सप्लोर टू 5G पर क्लिक करना है, लिख रहे हैं ना एक्सप्लोर टू 5G, एक्सप्लोर टू 5G, उस पर क्लिक करना है। जिसमें टेक सम टाइम, बट उसके बाद आपका आ जाएगा कॉन्ग्रेट्स यू आर अपग्रेड टू द 5G लाइफ।